देखो, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप के हिसाब से। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो कैटेगराइज किया जाता है वो मेनली तीन टाइप्स के पैरामीटर्स पर करेंगे। फर्स्ट टाइप आप देख रहे होंगे, टाइप ऑफ द नेटवर्क्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल स्पेस, यानी कि इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर हो रही है। जैसे कुछ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं कि आप पर्सनल यूज में क्रिएट कर दो तो वो अलग टाइप से होगा, एक बिल्डिंग में कवर हो रहा है वो अलग टाइप का होगा, कोई एक सिटी कवर कर रहा है वो एक अलग टाइप का होगा, कोई एक स्टेज स्टेट या वर्ल्ड या कंट्री कवर कर रहा है तो वो एक अलग टाइप का। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास जियोग्राफिकल स्पेड के हिसाब से, जिसमें मेनली हम लोग यहाँ पर हमने चार लिखे हुए हैं, बहुत सारी बुक में आपको तीन भी मिलेंगे, तो ये चार आप हमने मेंशन किए। बाकी आप ध्यान रखें कि आप अगर टीचर आपको तीन भी बता रहे हैं या आप तीन भी लिख रहे हो तो सफिशियंट है। वो तीन कौन से, एक नेन, एक मैन, एक वे। ये पेन एक अलग है, मतलब ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड टाइप आएगा आपके पास कंपोनेंट्स के रोल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें एक पीयर टू पीयर आएगा, एक क्लाइंट सर्वर आएगा, एक एक चीज डिस्कस करेंगे आगे। थर्ड थिंग आएगी कम्युनिकेशन मीडिया, एक वायर्ड नेटवर्क होता है, एक वायरलेस नेटवर्क होता है। तो ये चीज हम लोग और अगर देखा जाए तो कई टाइप से डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार। अब मूव करते हैं फर्स्ट फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट में देखो क्या है तुम्हारे पास, जब हमने बात की आपके पास जियोग्राफिकल स्प्रेड के, तो इसमें पहला तो आपके पास है, जस्ट वन मिनट, तो देखिए इसमें आप जब कैटेगरी डिवाइड करोगे तो चार टाइप से हमने किया हुआ, एक पैन, एक नैन, एक मैन, एक वे। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो चीज समझो। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जब आप अपने ही कंप्यूटर, बहुत केवल लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क में मेनली जो कंप्यूटर यूज होता है वो वन कंप्यूटर, आपने अपने कंप्यूटर से अपना मोबाइल कनेक्ट किया, प्रिंटर कनेक्ट किया, ठीक है, स्कैनर कनेक्ट किया, या बैंक में जाते हो जैसे अब क्या होते हैं थंब का इम्प्रेशन लेने के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम हो गए वो कनेक्ट किए। तो एक ही सिस्टम से जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया उसे हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एक स्पेशल टाइप लैन का ही एक स्पेशल टाइप है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं। तो आप ध्यान पहला पॉइंट देखें तो क्या लिखा, पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो नेटवर्क अरेंज विद इन आई इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन जो अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर रहा उसे हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब वो चाहे जैसे हम हो या कोई भी हो, जैसे हम भी तुम्हें पढ़ाते हैं तो पेन टेप कनेक्ट है कहीं, या वेबकैम कनेक्ट किया, तो ये सब क्या, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। प्रिंटर कनेक्ट है हमारे सिस्टम से या अदर डिवाइस कनेक्ट है, तो एक ही कंप्यूटर से आप वेरियस टाइप कंपोनेंट कनेक्ट करके आप जब ऑपरेट कर रहे हो तो वो बनेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी एक रेंज होगी अप्रॉक्स 10 मीटर के आसपास। इससे ज्यादा का अगर नेटवर्क होगा तो वो फिर नैन में जाएगा। नैन में क्या होता है, दो सिस्टम या दो से ज्यादा सिस्टम होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेज ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट पॉइंट में आपको साइंटिस्ट का नेम मिलेगा, थॉमसन जिमरमैन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब होता कैसा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नीचे के पॉइंट ऐसे ही कॉमन पॉइंट है। इस टाइप से जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपने क्या किया, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, उससे कोई दूसरा कंप्यूटर भी आप अपने काम में ला रहे हो तो वो कनेक्ट कर लिया, माउस कनेक्ट कर लिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया, प्रिंटर कनेक्ट है आपके पास, हेडफोन कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, ये कोई दूसरा मोबाइल। तो इस टाइप के जिसे आप पर्सनल यूज में 10 मीटर की रेंज में यूज कर रहे हो वो आपके पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बताएं बेवी, कोई डाउट हो पर्सनल एरिया नेटवर्क? सर आपने बोला सर एक ही सिस्टम यूज होगा, बट सर यहाँ तो सर एक और सिस्टम आ गया। सुनिए ध्यान से, मेनली जैसे हम बात करें तो मेनली एक ही सिस्टम यूज होगा, जब दो या दो से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उसे नैन कहते हैं। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक नैन का ही टाइप है। आप एक सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हो मेनली तो वो आपके पास है। हाँ, आपको जरूरत है कम रेंज में तो आप दूसरा कनेक्ट कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेनली अगर बात करें तो वो बनी सिस्टम के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं भी बात, क्योंकि आप जब पर्सनल यूज में ना होगे, जैसे हम भी मान लो ऑफिस में बैठे तो दो सिस्टम तीन सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं तो वो एक अलग मैटर है कि आप पूरा काम पर्सनल ले रहे हो। अगर दो सिस्टम भी है तो दो सिस्टम भी आप ही काम कर दो एक तरीके से, कोई दूसरा बंदा उससे कनेक्ट नहीं है। समझ पाए भाई बात? यस सर।
इंटरनेट कैफे में होता है तो वो सब पैन होता है? नहीं नहीं वो बेटा पैन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा सिस्टम कनेक्ट है, वो नैन होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पैन जो होता है वो आप केवल पर्सनल यूज में कर रहे हो, केवल वो सिस्टम है। अगर आप कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज करा रहे हो 2, 3, 4 में, तो वो फिर आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। तो पैन कोई बहुत मेजर पॉइंट नहीं है, मतलब आप एग्जाम में चाहें तो पैन को मेंशन ना भी करें। आप तीन मेन तीन होते हैं, नैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड होता है आपके पास वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो पैन है ये स्पेशल केस है नैन का के। ठीक है रामांश, रामांश सैनुमा बेटा कुछ पूछना हो बताएं। सर आ गया। आ गया। नेक्स्ट नाइट देखिए, थोड़ा डेट कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा स्पीड में भी कवर करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो आपके साथ मूव कर रहा है। वो किस टाइप से, जैसे आप लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ आप जानते होंगे, जैसे कार रिसीव करने के लिए कुछ लोग कान में ब्लूटूथ लगाए रहते हैं और मोबाइल उनके जेब में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का भी जो ये नेटवर्क है वो आपके पास क्या है, बॉडी एरिया नेटवर्क, मतलब जो आपकी बॉडी के साथ साथ मूवमेंट कर रहा है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास दूसरा मोबाइल है, एक मोबाइल में आपने हॉट स्पॉट क्रिएट किया, उससे दूसरा मोबाइल कनेक्ट है, ब्लूटूथ डिवाइस से आपने क्या किया कि अपना वो कनेक्ट कर लिया अपना, सॉरी ब्लूटूथ कनेक्ट है आपका। तो इसके अलावा आप स्मार्ट वॉच भी आने लगी जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, बट ये पूरा नेटवर्क आपकी बॉडी के साथ मूव कर रहा है कि नहीं, तो इस टाइप का जो नेटवर्क होगा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑफलाइन नेटवर्क, जैसे मान लो हम अपनी बात करें, जैसे हम ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो अब क्या है कि हमारे पास प्रिंटर कनेक्ट है, एक दूसरा भी डेस्कटॉप है वो भी कनेक्ट है, मान लो लैपटॉप कनेक्ट है, कीबोर्ड माउस पेन टैब, इस टाइप की जो चीजें कनेक्ट है जो ऑफलाइन जब हम काम कर रहे हैं, तो वो एक आपके पास बना ऑफलाइन एरिया नेटवर्क, जिसमें आपके केवल आपके पर्सनल यूज के लिए जो डिवाइसेस कनेक्ट हो। पॉइंट आप पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। बॉडी एरिया नेटवर्क को अगर पढ़ें तो बॉडी एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट मूव विथ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल नेटवर्क मूव विथ अ पर्सन, ठीक है, उससे आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप अपनी ब्लूटूथ के थ्रू अपनी स्मार्ट वॉच को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका बॉडी एरिया नेटवर्क। ऑफलाइन नेटवर्क में आप देखें सेकेंड लाइन में अगर जाएं, अ होम नेटवर्क इज डिजाइन टू इंटीग्रेटेड द डिवाइस सच एज प्रिंटर कंप्यूटर टेलीविजन, तो इस टाइप के, बट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ये ऑफलाइन एरिया नेटवर्क। और स्मार्ट होम ऑफिस मतलब आपने इंटरनेट भी यूज कर लिया है बट आप पर्सनल यूज में ही यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक पैन का ही कैटेगरी में आप ले सकते। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, सबसे बेटर एग्जाम्पल आपको ये मिलेगा बॉडी एरिया नेटवर्क। आपने देखा भी होगा स्मार्ट वॉच या ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू कार रिसीव करते हैं, ठीक है, आप अपने बॉडी की जो अब डिस्टेंस भी मेजर हो जाती है, कितनी आपने डिस्टेंस मेजर की, ट्रेवल की, इस टाइप की जो चीजें हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास में लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेटा ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो नेटवर्क है वो तो पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जो नेटवर्क आएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क आएगा, वो लगभग आप अप्रॉक्स जो पेन था पर्सनल एरिया नेटवर्क वो 10 मीटर के अप्रॉक्स था रेंज में। लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होगी वो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर होगी। आप 1 किलोमीटर तक में कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपके स्कूल में कोई नेटवर्क क्रिएट है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, आप कैफे में जाते हैं तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटे बिजनेस होते हैं कोई भी स्मार्ट बिजनेस जैसे फाइनेंस के हुए, या बैंक में भी आप जाते हो, अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक मतलब एक बैंक का, वैसे तो सिटी की कई सारी बैंक जब कनेक्ट होती है एक दूसरे से तो वहां तो अभी जो थर्ड कैटेगरी है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, लेकिन कोई एक छोटा सा आप स्कूल का एग्जांपल ले, आपके स्कूल में जो नेटवर्क है स्कूल में, अब वो कंप्यूटर लैब में है, तो इस टाइप के जो नेटवर्क है वो क्या होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। नैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू आर पर्सनल कंप्यूटर, आप 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए नैन का यूज कर सकते हैं, मतलब नैन इज यूज टू कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा लोकल एरिया नेटवर्क भी 2 टाइप से होता है, वायर्ड भी बना सकते हो और वायरलेस भी बना सकते हो, मतलब आप केबल के थ्रू भी कनेक्ट करा सकते हो, चाहो तो आप वाईफाई का भी यूज करके कनेक्ट करा सकते हो।
इसके जो कास्ट थर्ड पॉइंट में आपको मिलेगी, इट इज नेस्ट कास्टली एज इट इज बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। इसमें जो हार्डवेयर यूज होते हैं वो चीप हार्डवेयर यूज होते हैं, जैसे केबल यूज होगी, हब यूज होगा, एडाप्टर्स यूज होंगे। तो इस जो कंपोनेंट आपने पढ़े थे जैसे, तो इसकी जो कास्टिंग आती है वो कम आती है। कास्टिंग सबसे ज्यादा किस नेटवर्क में बढ़ती है अगर हम आपसे बात करें, कोई बता सकता है कि अगर कास्टिंग की बात करें तो नेटवर्क की कास्ट कब इंक्रीज होगी? सर जब हम लोगों को बहुत बड़े एरिया में नेटवर्क की जरूरत होगी, जैसे कि वैन, क्योंकि वहां पे सर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की जरूरत होगी। सर जब वायरलेस होगा तब होगी सर। कौन सा? तो बेटा सर जब वायरलेस पर नेटवर्क कनेक्ट करे तो उसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस यूज होंगे। देखिए जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी आपकी कास्टिंग बढ़ती जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब तक आप नैन से कनेक्ट कर रहे हो तब तक तो कास्टिंग कम है, जब आप हैवी सर्वर बनाने लगते हो, ठीक है, अभी हम लोग सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर पर आएंगे तब चीज की होगी। तो जब आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, ये चीज ने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका छोटा बिजनेस है तब तक तो आप ठीक है, लेकिन जब आप सर्वर क्रिएट करते हो तो सर्वर की कास्टिंग बढ़ती है। जैसे कल भी बात हो रही थी कि जैसे नेट आपने परचेज किया, नेट आप चार लोग कनेक्ट हैं तो कम रुपए में आप कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन जब आपको नेट ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो आपको फिर नेट का जो पैकेज भी है वो महंगा पैकेज खरीदना पड़ेगा। वैसे भी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब सर्वर आ जाएगा तो कास्टिंग आपकी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी। हाँ क्रिस्टी, आपको चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। हाँ, नैन से लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया नेटवर्क, मतलब छोटे से एरिया में होगी तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, मतलब कि डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बेटर होगी। लेकिन सिक्योरिटी की बात करें, जैसे नैन से कनेक्ट है तो अगर एक भी सिस्टम ये हुआ तुम्हारा कि सिक्योरिटी नहीं मिली एक भी सिस्टम को, तो ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज सिक्योरिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि देखिए जितना आप स्मॉल एरिया में नेटवर्क बनाएंगे, जितना आप स्मार्ट एरिया में नेटवर्क बनाएंगे उतनी आपको स्पीड भी फास्ट मिलेगी, उतनी आपको बेटर सिक्योरिटी भी मिलेगी। नेटवर्क जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा सिक्योरिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना आपका, आप खुद समझे ना, आपका छोटा सा घर है अगर, तो आप क्या है ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका घर बढ़ता जाए या आपका कोई भी प्लेस बढ़ जाए तो आपकी सिक्योरिटी वहां पर डेक होने लगती। लोकल एरिया नेटवर्क क्लियर है ना? स्मार्ट एरिया में जो नेटवर्क आप क्रिएट करोगे वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी टू टाइप्स, वायर्ड एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दोनों टाइप से हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें इस पर, मेन पर्पस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मेन पर्पस क्या होता है अगर हम चीज क्लियर करें? इसमें मेन पर्पस होता है डेटा की शेयरिंग करना। जैसे क्या होता है, बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है, मतलब ऐसी कंपनी जो आपको जैसे बैंक काम करती है रुपए देने का, ऐसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी आपको क्या होते हैं इंटरेस्ट पर कुछ मनी दे देते हैं, या स्कूल है या कोई बैंक है, कोई छोटी सी ऑफिस है, तो आपको एक क्लाइंट से, एक कंप्यूटर से, एक नोड से दूसरे नोड में अगर डेटा ट्रांसफर करना है या डेटा शेयर करना है तो वहां पर आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क देखिए, आप छोटा सा कोई हॉस्पिटल भी है तो वहां पर भी मिलेगा, कोई भी स्मार्ट बिजनेस है अगर वहां पर आपको 10-15 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप लगभग मानकर चलिए वहां लोकल एरिया नेटवर्क बना होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं बेबी? कोई भी स्मार्ट बिजनेस विच हैज अप्रॉक्स 10 सिस्टम, तो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट होगा। क्योंकि होता क्या है, हमेशा ये नहीं होगा कि भैया पेन ड्राइव निकालिए, उस सिस्टम पर जाइए, डेटा लीजिए और दूसरे में कॉपी कर लो, क्योंकि आप पेन ड्राइव से डेटा कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें टाइम क्रिएट, टाइम डिले होगा। दूसरी चीज, उसी डेटा की 4-5 कॉपी भी बनेगी, सिस्टम ए पर भी पड़ा है, सिस्टम बी पर भी पड़ा है, सिस्टम सी पर भी पड़ा है। तीसरी चीज, मान लीजिए सिस्टम ए पर पड़ा है, आप अपने उससे नाकर आपने सिस्टम डी पर किया, चेंजेस आपने डी में किया, अब सिस्टम ए वाला चाहिए तो वो फिर आपसे डेटा ले, फिर से आपसे डेटा ले तो उसको चेंज भी नहीं मिलता। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है कि नैन के थ्रू सिस्टम कनेक्ट कर दिए गए अगर, तो अगर आप डी से भी उस ए में चेंज करेंगे तो वो सभी के लिए डेटा चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े, ये नीचे इस वो भी आपका लिखा हुआ है कितना एरिया कवर करेगा, 1 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक,
अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर क्या है कि पांच सिस्टम दिखाए गए जो आपस में एक दूसरे से जैसे ये कनेक्ट है, तो इस टाइप से जो नेटवर्क है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। मतलब आप एक चीज समझ रहे होंगे बहुत ध्यान से, जो हमने पेन डिस्कस किया तो पेन में क्या था कि कंप्यूटर के थ्रू आपके इंडिविजुअल यूज की जो डिवाइसेस कनेक्ट है आपके पर्सनल यूज की, वो आपका पेन था। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मतलब पेन क्या था कि कनेक्शन ऑफ पर्सनल डिवाइसेस, और लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कनेक्शन ऑफ सिस्टम्स, यानी कि आपने दो तीन सिस्टम जब कनेक्ट कर लिए तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे चीज क्लियर दोनों में, पेन और नैन की बात करेंगे। सर पेन में सर इंटरनेट नहीं यूज होता, केबल्स यूज होते हैं? नहीं नहीं, पेन में भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, क्यों, वाईफाई के थ्रू नहीं चला सकते? जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप हॉट स्पॉट से मोबाइल, जैसे क्या है मोबाइल में आप हॉट स्पॉट ऑन करिए और उससे अपने लैपटॉप पर नेट चला दो, तो ये भी एक नेटवर्क बना, समझ रहे हैं? तो मतलब वो वाईफाई, देखिए जितने भी आप नेटवर्क पढ़ोगे, जितने भी मतलब पेन हो, नैन हो, मैन हो, वैन हो, कोई भी, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों टाइप के पढ़ोगे। हाँ, ये वाइड एरिया नेटवर्क होगा तो वो ज्यादा लार्ज स्केल में होगा, तो वहां पर हम हर जगह तो केबल बिछा नहीं लोगे, तो वहां आपको क्या होगा, वायरलेस की जरूरत होगी। लेकिन जो जहां तक आप वायर मतलब कवर कर सकते हो वहां तक आप वायर्ड भी होंगे, मतलब नेटवर्क आपके दोनों टाइप के लेकर चलोगे, वायर्ड और वायरलेस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इंक्रीज करें इसमें स्लाइड में। तो देखिए ये एग्जांपल लिखे हुए हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल में, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिस में जो नेटवर्क यूज होंगे वो कैसे होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट हम लोग देखें थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड में क्या है, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया ये जो नेटवर्क होता है, देखिए पर्सनल यूज के लिए पेन यूज हुआ, बिल्डिंग या स्मार्ट ऑफिस के लिए क्या यूज हुआ, नैन यूज हुआ, सिटी के लिए जो यूज होगा, कोई एक सिटी आप कवर कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, मेट्रोपोलिटन एरिया। अब ये किस टाइप का नेटवर्क होता है पहले तो आप समझे, जैसे कि मान लीजिए एक सिटी की आपने कई सारी बैंक को आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो एक सिटी की जब कई सारी बैंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वहां पर कौन सा नेटवर्क यूज होगा, मैन। या जैसे कानपुर में मान लीजिए रिजेंसी हॉस्पिटल की दो तीन ब्रांच है अलग अलग, रिजेंसी नर्सिंग हॉस्पिटल इस टाइप से, तो वो जो या कैंसर वाला जो हो गया, तो ये जो आपस में कनेक्ट करा सकते हो क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस में हो बट एक ही सिटी में है, तो ये किसके थ्रू होंगे, मेन के थ्रू, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इतनी बात चीज क्लियर हो रही, पहली चीज आप ध्यान से, पर्सनल यूज के लिए पेन यूज होता है, आपके पास स्मार्ट बिल्डिंग में मतलब एक बिल्डिंग में या कोई स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है, एक सिटी के लिए आपके पास पेन यूज, और आपके पास एक स्टेट में या कंट्री में जब यूज करोगे तो आपके पास वेन यूज होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज नेटवर्क दैट कवर्स अ लॉन्गर ज्योग्राफिकल एरिया जनरली एक्सपेंड थ्रू आउट अ सिटी, पूरे एक सिटी में, बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट नेन टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। अब जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, तो ये लोग मेनली क्या होते हैं, मैन पर काम करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो क्या है कि उस पूरे सिटी में होगा तो उस हिसाब से। नेक्स्ट आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, आप बस ये लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, जो रेंज होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होगी, ये कुछ प्रोटोकॉल्स आपको दिए गए RS ऐसे, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ऐसे ATM हो गया, ISDN हो गया, ADSN हो गया, तो इस टाइप से ये कुछ प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये चीजें कनेक्ट कैसे होती है, तो टेलीफोनिक एक्सचेंज जो लाइन होती है मतलब केबल के थ्रू, तो उसके थ्रू ये कनेक्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा इस टाइप से। जैसे ये क्या है कि मान लीजिए ये एक अलग वर्ग के स्टेशन है, ये एक अलग वर्ग के स्टेशन, ये एक अलग वर्ग के स्टेशन, ये एक अलग वर्ग, ये सब किसके थ्रू कनेक्ट हो गए, एक ही सिटी में जैसे है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क यूज होगा वो मेट्रोपोलिटन एरिया। ये एग्जांपल समझे, जैसे बैंक के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे में वो किस में होगा, मेन में। एयरलाइन रिजर्वेशन में जैसे है तो क्या होगा, आपके पास मेन का यूज कर सकते हो। कॉलेज एक ही सिटी में है और उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन है तो वो भी कैसा होगा, मेट्रोपोलिटन होगा। मिलिट्री में कुछ यूज होता है तो वो क्या है कि मिलिट्री का भी एक एरिया होता है, ऑफिस होता है, तो वो एक उतने सर्टेन एरिया में आप जैसे कोई सिटी में यूज कर लो तो वहां पर भी क्या होगा, मेट्रोपोलिटन एरिया। हाँ, किसी का डाउट हो इस पॉइंट से तो बताएं, मेन से रिलेटेड एक एक करके। बेवी, हाँ
ट्रस्टी बताएं, ट्रस्टी आपके ऑफिस और हमारे घर तक से जो नेटवर्क होगा वो मैन होगा। हाँ, लेकिन क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। हाँ सर, क्रिएट करने का। हाँ, मतलब एक ही सिटी में है ना, और डिस्टेंस भी आपकी 1 किलोमीटर से हम लोगों की ज्यादा बनेगी, समझ पा रहे हैं? Yes, 1 किलोमीटर तक होता तो हम लोकल एरिया नेटवर्क बना लेंगे। और जब जैसे अच्छा देखिए, यहाँ पर भी कंपोनेंट भी बढ़ते जाएंगे, राउटर भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर नेट के वायरलेस बना रहे हो तो फिर आपको गेटवे भी जरूरत पड़ सकता है, अलग अलग कंपोनेंट जरूरत पड़ सकता है। हाँ, और किसी का डाउट हो? रामांश, सैनुमा, हाँ बताओ रामांश। एक मिनट रामांश, देखिए ऐसा एक्चुअल में सर्वर की तो रिक्वायरमेंट होगी ही आपको। अब वो आप पर दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, वो अगले में आप क्रिएट हो जाएंगे। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, एक सर्वर क्लाइंट के हिसाब से होता है। तो आप पीयर टू पीयर भी बना सकते हो, सर्वर क्लाइंट भी बना सकते हो, बट मोर एफिशिएंट जो होगा वो सर्वर क्लाइंट होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोर एफिशिएंट होगा सर्वर क्लाइंट होगा। तो वो एक कैटेगरी हम लोग जो सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे ना, कि कंपोनेंट्स के रोल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पेवर नेटवर्क में पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क को अगर एरिया के हिसाब से, रेंज के हिसाब से कैटेगराइज किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। रामांश क्लियर? हाँ सैनुमा बताएं बेटा। सर जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं और हम लोग इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक तरह का नेटवर्क है। हाँ ये भी नेटवर्क है, लेकिन ये आपका जाएगा वेन में, वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सिटी में नहीं बन रहा है ये नेटवर्क। ये क्या है कि रिमोट आपके कहीं भी डिस्टेंस पर है, मतलब अगर देखा जाए तो एक स्टेट भी कवर हो सकती है, कंट्री भी कवर हो सकती है, इवन दूसरी कंट्री भी कवर हो सकती है। तो इस टाइप की जो चीज बनेगी वो वैन में जाएगी। समझ पा रहे हैं? यस सर। और किसी का डाउट हो? और सर ये रियल टाइम पे काम करता है? रियल टाइम इन द सेंस मींस जैसे सिग्नल जैसे रिक्वेस्ट दी जाती है हमें तुरंत रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, तुरंत तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तो डिले होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सिग्नल इतनी फास्ट स्पीड में करते हैं, क्योंकि आप रे पढ़ते हो ना 3×10⁻¹ की स्पीड, 3×10⁸ तो उसी हिसाब से देखिए तो ये जो वेव्स होती है तो इतना फास्ट करती है कि देखिए डिले तो होता है थोड़ा सा, डिले तो थोड़ा सा होता है, बट वो इतना माइनर होता है कि उसे हम लोग सेकेंड में तो काउंट कर ही नहीं सकते, मिनी माइक्रो किसमें काउंट होगा। उस हिसाब से हम लोग उसको, मतलब आप ये तो नहीं कर सकते कि रियल में काम करता है, हल्का सा माइनर डिफरेंस होता है। हाँ और कोई? चलिए अनुष्ठिता वगैरह पूछ लिया करो बेटा, अगर कुछ पूछना हुआ करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाइड एरिया नेटवर्क की बात किया। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये यहाँ पर आपका कुछ भी कवर हो सकता है, आपकी स्टेट भी कवर हो सकती है, आपका कंट्रीज भी कवर हो सकती है, इवन आप चाहें तो पूरा वर्ल्ड भी कवर कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट जो है तो ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का कैटेगरी। आप मोबाइल के नेटवर्क यूज करते हो, बात समझिए सभी लोग, आप चाहे वोडाफोन यूज कर रहे हो, चाहे जियो यूज कर रहे हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया वोडाफोन हो, कोई भी सिग्नल आपके पास आ रहा है, क्योंकि मोबाइल का जो भी ये सिग्नल है वो आपके ऑल ओवर कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकती है, हो सकता है वर्ल्ड वाइड भी हो कोई। तो उस टाइप से जो नेटवर्क आप यूज करोगे वो आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि आप सिटी से बड़ा कोई नेटवर्क यूज करो तो वो वाइड एरिया। तो आप वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्रीज। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द नेम, मतलब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जितना बड़ा भी बना लो सब वाइड एरिया नेटवर्क है, नेम तो बहुत ही छोटा है। नेम तो अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर कवर करता है, तो नेम से बड़ा क्या है आपके पास है, मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वो आपका एक सिटी कवर कर लेता है। ठीक है, बात समझ गए इतनी सभी लोग? नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट भी समझिए थोड़ा सा। व्हेन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स That are separated by large distance, यानी कि अब जो distance होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब एक state से दूसरे state भी हो सकती है। And tied together, it can even be a group of nodes, मतलब computer की जगह अगर देखा जाए आप computer का भी connection मान सकते हो, चाहो तो आप ये भी मान सकते हो कि चार अलग अलग local area network बने और वो आपस में connect हो, तो local area network भी इससे connect हो सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट, इंटरनेट जो है वो सबसे बिगर वैन है, मतलब इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड होता है, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वैन। इंटरनेट भी आपके पास एक नेटवर्क ही है, आप जो इंटरनेट भी यूज करते हो ये आपके पास एक नेटवर्क है, कोई सर्विस नहीं है।
तो इतनी बात समझ है। कास्टिंग आपकी यहाँ पर देखा जाए, जैसे आप देखें व्हेन लिंक कंप्यूटर टू फैसिलिटेट फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लेसर कास्ट एंड हायर स्पीड, क्योंकि यहाँ पर अच्छा कास्टिंग कैसे रिमूव होती है, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। वैवी देखिए, अगर सेटअप रेडी करने की बात की जाए तो कास्टिंग आपकी काफी जाएगी, लेकिन पर यूजर या पर सिस्टम या देखा जाए तो कास्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक बार वाइड एरिया नेटवर्क बना लिया तो आप अपने बिजनेस को या अपने किसी भी चीज को कहीं पर भी ऑपरेट करें, आपको दोबारा उसके लिए सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेन पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस कानपुर में, तो आपका मेन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो वन बनेगा। आपने इसी बिजनेस को मान लीजिए अहमदाबाद में शिफ्ट किया तो वहां पर आपको दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मेन पर बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं तो आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग है तो एक बार आपका तैयार हो गया, उसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते। नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट और डिस्कस करें। अगर ये आपके पास देखिए एक फिगर है, ये देखिए ये भी एक नेटवर्क बना हुआ है। आपको जो इमेज दिख रही है इसमें रामांश, जैसे अगर आप देखें ये वाला जो है तो ये भी एक नेटवर्क है और ये भी एक नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क वन हो सकता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क टू हो सकता है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क थ्री हो सकता है। और ये नेटवर्क भी जब आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए तो ये आपके पास क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। वे इतनी चीज क्लियर? चलिए अब इसमें यह है कि कौन कौन से टाइप होंगे। तो देखिए टाइप में जैसे एक तो मोबाइल ब्रॉडबैंड ही हमने जैसे बताया, ठीक है, मोबाइल आप यूज करते हो, कोई भी सिग्नल यूज कर रहे हो वो हो गया। लास्ट माइल का हो गया, आपके पास इंटरनेट सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास इसी में जाएगा। प्राइवेट नेटवर्क, तो प्राइवेट नेटवर्क में क्या होते हैं, जैसे बिजनेस होते हैं कई सारे, आप बैंक प्रोवाइड आप प्राइवेट नेटवर्क, जैसे आप कोई भी बैंक चाहे SBI हो चाहे CBI हो चाहे PNB हो, कोई भी बैंक यूज कर लो, तो बैंक के बीच में कम्युनिकेशन हर जगह होता है। मतलब बंबई में उसकी ब्रांच है अगर, और कानपुर में भी एक ब्रांच है, तो आपके बीच वहां पर भी कम्युनिकेशन होगा। तो डिफरेंट बैंकस के भी जो बैंक के जो नेटवर्क है वो भी आपके पास क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क बना है। तो वो प्राइवेट नेटवर्क भी, मतलब हर बैंक का अपना एक पर्सनल नेटवर्क है, तो वहां पर भी क्या है, प्राइवेट नेटवर्क का यही मतलब कि हर बिजनेस का एक अपना पर्सनल नेटवर्क है, एक दूसरे से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब शेयर करेगा मतलब तो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो अब वो बात है ना कि कंपनी दोनों अपने आपस में टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा शेयर करने, वो एक अलग मैटर है। बट वैसे क्या कि अलग ऐसे टेलीकॉम कंपनी जो होती है, जैसे आप एयरटेल वोडाफोन यूज कर रहे हो, तो वो लोग भी प्राइवेट नेटवर्क पर काम करते हैं। तो इस टाइप से जैसे हैं तो वो आपके पास प्राइवेट नेटवर्क बनता है, जिसमें देखिए लिखा भी नेटवर्क दैट कनेक्ट द 44 ऑफिसेस, अप्रॉक्स 44 ऑफिसेस का कनेक्ट। हाँ, कोई डाउट हो वाइड एरिया नेटवर्क नैन मैन वैन और पेन में भी अगर, हाँ सेनुमा बेटा बताएं। सर आ गया बेबी, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझा दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। यस सर, मतलब कि ये वाले ना? नहीं सर, सर एग्जांपल्स में सर। अच्छा एग्जांपल्स, देखिए मोबाइल ब्रॉडबैंड का मतलब यह है, जैसे आप कोई मोबाइल यूज करते हो, कोई भी मोबाइल, तो मोबाइल्स में आप जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हो, एयरटेल वोडाफोन कोई भी, तो इसके भी जैसे आप उससे नेट यूज करते हो ना, आप तो नॉर्मली जनरली क्या हो गया 4G यूज होता है, पहले 3G यूज होता था, तो उसका भी जो आपका सिग्नल्स मिल रहा है, तो इसका भी जो अप्रोच है वो किस पर होगी, वाइड एरिया नेटवर्क के हिसाब से, क्योंकि आपको जो मोबाइल के सिग्नल है वो आपके किसी पास से तो मिल नहीं जाएंगे, कि आपके बिल्डिंग में कोई ऐसा नेटवर्क हो उससे मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपके सिटी से भी नहीं मिलेगा। हाँ वो बात है ना कि आप बोलते हो टावर लगे होते हैं, तो उसका कंट्रोलिंग तो सैटेलाइट से हो रही है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे कंट्री में या स्टेट में जहां पर भी सर्विस मिल रही है उस हिसाब से। अब अलग अलग भी, जैसे एक पहले सिम आती थी यूनिनार की, तो यूनिनार की सिम क्या है कि अगर मान लीजिए 4 स्टेट में चल रही है तो उसका आपकी सर्विस कहाँ मिलेगी, 4 स्टेट में मिलेगी, बट वो भी आपका कैटेगरी किसका है, वाइड एरिया नेटवर्क का है। तो आप जो मोबाइल के भी नेटवर्क यूज करते हो तो वो भी आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क का है। आप जो इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हो, सेकेंड पॉइंट में यही है, टेलीकॉम कंपनीज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज टू कस्टमर,
तो जो आप कानिंग के पर्पज से नेटवर्क यूज कर रहे हो या किसी भी टाइप से, तो वो आपके पास मोबाइल ब्रॉडबैंड का है, तो वो भी आपको किससे मिलेगा, वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। सर्विस आप इंटरनेट की जो यूज कर रहे हो, सर्चिंग करते हो, कुछ भी करते हो, वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का है। बैंक के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या कोई भी बिजनेस है अलग अलग, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है अदर स्टेट में, मतलब एक स्टेट में भी हो सकता है, बट कम से कम सिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखा एक चीज ये भी समझ लो कि दो छोटी छोटी सिटी अगर पास में, तो वहां पर भी आप मेन बना सकते हो। मतलब आप ये ना सोचो एक सिटी से दूसरी सिटी गया तो हमारा ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क की यूज हुआ। सिटी मतलब एक स्टैंडर्ड एरिया में अगर आप नेटवर्क बना रहे हो तो वहां तक तो मेन ठीक है। फिर आपकी क्या कि अगर आप ज्यादा में बनाओगे तो आपकी कास्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बेबी क्लियर है आपको दो पॉइंट कि मोबाइल में भी जो सिग्नल आ रहे हैं तो वो भी आपका जो एग्जांपल है मोबाइल ब्रॉडबैंड का, तो वहां पर भी वाइड एरिया नेटवर्क है। आप इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, वो भी वाइड एरिया। हाँ क्रिस्टी, अंशिता, वंदना। सर कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा कास्टिंग किसकी होती होगी? बेटा जितना ज्यादा बनाओगे, बड़ा बनाओगे, उसकी कास्टिंग ज्यादा आएगी, यानी कि वाइड एरिया। नहीं, लाइक वैन में भी आपने बताया था कि वो यूजर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कास्टिंग पे वो इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बता रहे ना, देखिए कास्टिंग आप नेटवर्क बनाने में सबसे ज्यादा कास्टिंग आएगी वाइड एरिया नेटवर्क की, लेकिन जब हम बात करें इफिशियंट कास्टिंग के हिसाब से तो वाइड एरिया नेटवर्क बेटर होगा, मतलब कि इफिशियंट इसकी ठीक होगी, यानी कि इसकी कास्टिंग आप इतनी नहीं लोगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जाएगा वो जाएगा मेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आप एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करोगे या एक सिटी में क्रिएट करोगे। बात समझ रहे हैं अनुसिता? अनुसिता ये चीज। हाँ और किसी का डाउट हो? सर जैसे हम लोगों ने मैन नेटवर्क बनाया सर एक सिटी में, सर फिर सर कहीं और बना दिया सर, तो सर उसकी कॉस्ट फिर ज्यादा आने लगेगी सर, सर वो वाइड एरिया नेटवर्क से। एक मिनट फिर से आप रिपीट करोगे? हाँ आपने एक हाँ दूसरी सिटी में भी बनाया, ठीक है। और सर ऐसे करते रहे अगर हम लोग तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी सर, कि उसकी इक्विवेलेंट आएगी सर, उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी बेटा, उसकी कास्टिंग ज्यादा आएगी, तभी तो वाइड यूज करते हैं, नहीं तो हम एक ही नहीं कर लेते। बहुत कास्टिंग आएगी। एक्चुअली में क्या है, आप बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए डेटा फीडिंग, आपका स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है, आपके स्कूल के चार ब्रांच है। अब एक तो नेटवर्क की कास्टिंग ज्यादा आएगी, बाकी जो आप सोर्स भी यूज करते हो, अगर आपने वाइड एरिया नेटवर्क बना लिया तो एक ही बंदा सारी डेटा की फीडिंग कर सकता है एक जगह बैठकर। लेकिन अगर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है तो सिटी ए में अलग बंदा चाहिए, सिटी बी में अलग एम्प्लॉई चाहिए। भाई भी बात समझ रहे, तो कास्टिंग काफी इंक्रीज करेगी।